जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच जय जय। कैसा हो, कैसे हो? बहुत अच्छा भाई। ये गाना जैगुआर वाली कुड़ी, जितना मेरे को समझा ये गाने में, ये लव एट फर्स्ट साइट का पूरा माहौल है। तो किस तरह से ये गाना बना, इन चांदनी के साथ किस तरह से ये एसोसिएशन था? इट वाज फन, यू नो, वर्किंग विद चांदनी। ये मैंने पहली बार चांदनी के साथ काम किया है एंड द सॉन्ग इज वेरी वेरी नाइस। इनफैक्ट आई स्टिल रिमेंबर दैट द डायरेक्टर असलम, व्हेन ही केम टू मी, ही ऑफर्ड मी अ कपल ऑफ सॉन्ग्स एंड आई सेड दैट यू नो मुझे यही गाना पसंद है और करूंगा तो यही करूंगा। And that's how, you know, I selected this one. And I usually get a lot of music videos, you know, jahan pe wo chahte ki main karu. Lekin after a very, very long time, I thought, you know, this is something which I have not done. A very peppy song, very funny and, you know, little party song. So that's it. Haan kar diya, aur phir baad mein got a chance to work with Chandni, very talented. And it's going to be nice. I'm just hoping that ये गाना हिट हो और लोगों को पसंद आए। इंटरनेट में आजकल मैं देखता हूँ टिकटॉक लोग बहुत बनाते हैं, सो आई एम जस्ट वेटिंग कि इसका कैसे कैसे वर्जन बनेंगे। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। थैंक यू सो मच जय। एंड चांदनी, वर्किंग विद जय फॉर द फर्स्ट टाइम, किस तरह से था? क्या परेशान किया आपको जय ने, कि आप उनको परेशान कर रहे थे? जय ने परेशान, just kidding. He's been very sweet person to work with and I was really comfortable working with him. और मुझे नहीं लगा कि मैं पहली बार काम कर रही हूँ, जबकि मैंने इन्हें इतना देखा है टीवी पे और सिल्वर स्क्रीन पे, but I was very comfortable working with him. और मुझे लगता है ये चीज़ बहुत important है, otherwise वो आपकी performance में दिखता है कि आप comfortable नहीं हो या आप बहुत hesitant हो किसी experienced actor के साथ काम करने में, but बहुत मज़ा आया. It was really fun working with him. पूरी रात का शूट था, बट वी वर फुल एनर्जेटिक और बट इन्होंने मुझे जैगुआर नहीं चलाने दी. ये मजाक उड़ाते रहे और इन्होंने नहीं चलाने. एंड आप लोग दोनों कितना सच बता रहे हो, ये हमको खाली एक इंसान बता सकता है. ही इज द डायरेक्टर ऑफ दिस वीडियो, मेक्स हिम नॉइज फॉर असलम खान. भाई इन लोग ने तो बोल दिया कि इन लोग दोनों शरारते नहीं कर रहे थे, लेकिन आप डायरेक्टर हो, कितना डिफिकल्ट था? कौन था प्रैंकस्टर इन लोग दोनों में से? मेरे ख्याल से कोई भी वहाँ पे मस्ती नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एक ही दिन का शूट था हमारे पास, बजट बहुत कम था, हमें गाने को फिनिश करना था. तो आई थिंक बहुत मस्ती करना चाहते हुए भी कोई नहीं कर पा रहा वहाँ पे, तो यहाँ तक के खाना खाने तक का टाइम नहीं था हमारे पास. So dedicated team. And इस गाने के बारे में director Aslam Khan, what was your vision जब आप जय भानुशाली को मिले and you spoke about the video, what is the one thing that you told him to? When I met him, I clearly remember we heard the song in the car, in fact, because we met up and I then wanted him to listen to the track on headphones, because I was very sure that in the car the impact would be good. I wanted him to hear the actual feel of the sound. और जब हम लोगों ने गाना सुना, the first thing he said is that I want to do the track. So I was very happy because I wanted Jay to be a part of it because he's a pretty good dancer and this song needed somebody who's a very good dancer with expressions as well as with the body language. He could pull it off for sure. And then Chandni was very keen on Jay. I'll have to say that. Chandni was like, mere ko Jay hi chahiye. So like, I'll not do the video if Jay is not there. So I had to cast him. Vision ki jo aapne baat ki hai, Aslam khud ek actor hai. आपने इन्हें देखा होगा काफ़ी सारे फिल्मों में करते हुए. सो विजन पहले ये मुझे दिखा देते, पहले जो भी शॉट मैं लेता था उससे पहले ये चांदनी के साथ करते थे और उसके बाद मैं इनको कॉपी कर रहा था. तो जो भी आप देख रहे थे वो मैं इन्हीं का, हाँ. सो अगर कहीं पे भी ज़्यादा भी मैं रोमांटिक दिख रहा हूँ तो फिर मैं इन्हीं की वजह से, क्योंकि इन्होंने जो क्या बोलते टेक से पहले रोमांटिक दिखाया था तो उससे मैं ज़्यादा इंस्पायर हो रहा था. सो जो भी आप वीडियो में देखोगे, इट्स कर्टेसी असलम खान. Okay, and jo bhi aap sunoge, it's courtesy Ankit Rajput. So let's call him on stage, the singer of the song. Make some noise for Ankit Rajput. Bhai, hi Ankit. Hi Roshan. Okay, Ankit, ye gana aapne gaya, kis tarah se difficult tha, aasan tha, sab baatein karunga main. लेकिन पहले ये गाने का वीडियो देख लेते हैं और आपसे गाना भी गाऊंगा, डोंट स्ट्रेस ब्रो. ओके, सो गाने का वीडियो हो जाए पहले. You guys want to be seated? A round of applause to Sandy. So, देखो, Ankit
and Sandy have sung this song and song launch hai aur aap se agar gana nahi gawaya to maza nahi aayega. So Ankit, the mic is all yours. A round of applause for Ankit, please. First of all, I would like to thanks to the production, equipment production and director Aslam Khan. Thank you so much. And Jay Bhai and Chandni has done very nice work in the video. And it's my first Punjabi song, guys. Matlab main kaap raha hu abhi. Thank you. थोड़ा मोटिवेशन दे दो यार अंकित को. जय भाई बोला, इनको बहन क्यों नहीं बोला फिर? दिल से निकलता नहीं है. एंड सॉन्ग बनाया था जब सोचा नहीं था इतने बड़े स्केल पे आ जाएगा. ऑल क्रेडिट गोज टू एवरीबॉडी जिस जो ये सॉन्ग से जुड़ा है. थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ. एक बार शोर मचा दो पहले. कल वेखी एक जगवार वाली कुड़ी नक विच कोका ओदे हथ विच चूड़ी. कल वेखी एक जगवार वाली कुड़ी नक विच कोका ओदे हथ विच चूड़ी. वेख वेख दिल मेरा मैनू कहण लग गया. ओहो वेख वेख दिल मेरा मैनू कहण लग गया. छड टंडरा नू तेरी सच होगी भूल. कल वेखी एक जगवार वाली कुड़ी नक विच कोका ओदे हथ विच चूड़ी. कल वेखी एक जगवार वाली कुड़ी नक विच कोका ओदे हथ विच चूड़ी. Thank you so much everyone. And Abhi press, you can have your photo opportunity. I would actually like to thank Zee Music. A round of applause for Zee Music, please. And thank you so much Paper Plane Production. Thank you so much Shikha Gupta for bringing us all together. A round of applause for them, please. And media, abhi aapke photo op and interviews will be done. Lekin yaad rakhna, agar aap log koi bhi photo Instagram, Facebook kahin bhi daal rahe ho to hashtag Jaguar Wali Kudi. Okay? Press, any questions, anything you want to ask? The mic is all yours. Picture, photo, sir ne bol diya, sidha photo khicha. So the interviews will happen after this. Thank you so much. Thank you. So now we head towards the one-on-one interviews. Here only? Okay. So we'll first have the star cast of the video only. Let Jay and Chandni be here. And one by one you can call. Yes. हमें तो देखो, आप उन्हीं को देखते जा रहे हो कब से. सवाल उनसे पूछ रहे हो कि मुझसे पूछ रहे हो? अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल. हाँ तो क्या कह रहे थे आप सवाल? इट वॉज फैंटास्टिक. इट वॉज लवली वर्किंग विद चांदनी एंड काफ़ी मज़ा आया ये गाना शूट करके. दिस इज़ माय फर्स्ट पंजाबी वीडियो. एक्चुअली मेरा म्यूज़िक वीडियो में ये मेरा पहला ही म्यूज़िक वीडियो है. सो हमेशा मेमोरीज हमेशा रहती है लाइफ टाइम, व्हाटएवर यू डू फॉर द फर्स्ट टाइम. सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वन.
ऐसे मुझे बहुत सारे ऐसे म्यूजिक वीडियोज आते हैं, बट दिस थिंग यू नो रियली अट्रैक्टेड मी अ लॉट बिकॉज ये मुझे ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेंडिंग सॉन्ग में आने के कैपेबिलिटी में है. एंड इससे पहले जो भी मुझे गाने आते थे वो हमेशा वो रोमांटिक गाने और वही मतलब क्या कहते हैं वो एक गाना आज फिर क्या कर लिया लोगों को लगता है उसके बाद वही सिर्फ कर सकता हूँ उसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकता. तो मैंने सोचा था यार उसके अलावा जो भी कुछ आया था मैं करूँगा एंड दिस इज़ व्हाट समथिंग इट वाज डिफरेंट एंड यूनिक. सो मैंने हाँ कही. जी या क्योंकि जैसा आपको डायरेक्टर असलम खान ने बताया अभी कि पहले मेरा कास्टिंग हुआ था और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किसको चाहेंगे, तो मैंने बोला था कि तो मुझे अभी तक लग रहा था कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की मेहरबानी से मैं था, तो खाली फुकट में उनको थैंक यू बोला था. मैं तुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए. नहीं, सो आई सेड कि मुझे जय जी के साथ काम करना है. सो फिर इन्हें अप्रोच किया गया, ऑफकोर्स इनका कॉल था वो लेना, बट इन्हें भी गाना अच्छा लगा और हमने ये सॉन्ग साथ में शूट किया. बहुत फन था, इट वॉज लाइक अ पार्टी क्योंकि पूरी रात का शूट था. सो या तू बेटा मेरा घर तोड़ दे. नहीं नहीं तू तोड़ दे. नहीं नहीं सवाल ऐसे पूछ. क्योंकि मैंने इन्हें टीवी पे देखा है और जो इन्होंने सॉन्ग्स किए हैं इतने रोमांटिक, और तो ऑब्वियसली हर लड़की को ऐसा रोमांटिक लवर चाहिए. सो सॉन्ग में अपने ऑपोजिट. या सो बिल्कुल दैट्स व्हाई. बहुत पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, सबको पसंद आती है. इनफैक्ट एक सीक्वेंस था जहाँ पर इनको गाड़ी में बैठ कर गाड़ी चलानी थी और मैडम को आगे जाना था, उन्होंने पीछे घुमा दी थी. तो अचानक से बजट हमको लग रहा था कि ये कम से कम 1.5 करोड़ का म्यूज़िक वीडियो होने वाला है. तब जो मालिक था गाड़ी का वो आके बोलता है कि बस गाड़ी खड़ी कर दो. तो ये फिर उन्होंने आजू बाजू सब नाची लेकिन गाड़ी फिर चलाने नहीं दी इसको. पहले रिहर्सल्स तो मुझे डायरेक्टर ने और कोरियोग्राफर ने पूछा कि आपको ड्राइव करना आता है, तो उससे 5-10 मिनट पहले मैंने रिहर्सल्स की थी. अच्छा, अमेज में. उसके बाद भी रिवर्स पे की गाड़ी पर मुझे जैगुआर पकड़ा दी. तो या थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल. सो आई जस्ट वांट टू से एवरीवन दैट प्लीज गिव ऑल द लव टू दिस सॉन्ग एंड चांदनी हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब. सो देखिए, इसे पसंद कीजिए, लाइक शेयर करते रहिए एंड आई एम टू एक्साइटेड फॉर ऑल द टिकटॉक वीडियोस. मैं देखना चाहूँगा कि किस तरह से यूनिक आइडियाज से लोग आजकल मैं देखता हूँ ना, स्पेशली हमारा जो लोखंड वाला बैक रोड हो गया है उसका नाम बदल के टिकटॉक वाली गली हो गई है. मतलब मैं हर बार जाता हूँ वहाँ पे, कोई ना कोई तो मुझे दिख ही जाता है. सो मुझे लगता है वो आजकल वैसे भी सिटीज़ के नेम चेंज होते जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, बॉम्बे मुंबई हो रहा है बिल्कुल. तो मैं चाहता हूँ लोग बैक रोड लोखंड वाला का नाम हटा के बैक रोड टिकटॉक वाला कर दो, क्योंकि जितने भी मैं यू नो बाहर से मैं देखता हूँ बहुत सारे फैंस आते हैं यू नो इन टिकटॉक वाले लोगों को मिलने के लिए, यू नो सारे टैलेंटेड लोगों को मिलने के लिए. कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आइए हमारे बैक रोड में, वो उनका फिल्म सिटी है. प्लीज़ जैसे हमारा गोरेगांव फिल्म सिटी है, हमारे लिए ये इनकी फिल्म सिटी है बैक रोड. आइए, आपको ढेर सारे मिलेंगे और शाम को यू नो ट्वाइलाइट के टाइम पे तो डेफिनेटली मिलेंगे बिकॉज उस टाइम पे बड़े अच्छे वीडियोज़ मिलते हैं. हाँ, मैं कहना चाहूँगी कि ये फर्स्ट हिंदी एल्बम है मेरा और जय का भी. सो शावर लॉट्स ऑफ लव और बहुत शेयर करिए गाने को, सुपर डुपर हिट बनाइए ताकि हम इसके सीक्वल के साथ आ सकें. क्या बात है, जैक और रीलोडेड. ऑफ कोर्स, चलो बस आज घर जाके ऑल द बेस्ट. बस अब यही प्रे करूँगा कि अगले महीने के भी जो मेरे घर की हमाएँ हैं वो इन्हीं की वजह से निकले. सो प्लीज़ अगर सीक्वल बनता है तो हमें ज़रूर सिलेक्ट करना. और हम टिकटॉक वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे हैं फैंस से और सभी टिकटॉकर्स से और जैसे भी. आई थिंक आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड टू शो माय टिकटॉक स्किल्स. या थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. Oh, one, four.
वीडियो के लिए Check. Press, we are starting with the event, okay? चांदनी का सोलो लेना चांदनी Good afternoon, everyone. And सबसे पहले, before I start the show, a round of applause for the press and media. इतने बारिश में भी आप लोग आए तो जोरदार तालियां इनके लिए. And वैसे well done, thank you so much. मेरा नाम है RJ रोशन from Fever 104 FM और मेरे शो पर मैं स्पॉटलाइट डालता हूँ टैलेंट्स पर आज स्पॉटलाइट है जैगवार वाली कुड़ी इस गाने पर. ये गाना हिंदी और पंजाबी का अलग तड़का है.